I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Hi guys, welcome back to the channel. Hello everyone, welcome back to our channel. आप लोग सोच रहे हो कि फूफू कुकू कहाँ निकले हुए हैं? दोस्तों आज होने वाला है बहुत सारा फन. गाइस मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रहा था, कनाडा में रिवर राफ्टिंग करने का. सो आज वो दिन है. हम है अभी स्क्वामिश में, ये हमारा फर्स्ट स्टॉप है. सेकंड स्टॉप कहाँ होगा वो आपको बाद में पता लगेगा. अभी टेम्परेचर है 12 डिग्री, बहुत ठंड लगने वाली है. और जिस प्रॉपर्टी में हम आए हैं, भाई गॉड इज सच अ नाइस प्रॉपर्टी. यहाँ पे घोड़े हैं, ऑस्ट्रिच है, सिर्फ हेन है. बिल्कुल सामने वो देखो ग्लेशियर दिख रहा है. सो ब्यूटीफुल गाइस. अच्छा इन सब चीजों की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. फिनिश दिस स्टॉप, वी विल गो टू दैट ग्रे बिल्डिंग ओवर देयर जस्ट बिहाइंड द बस. वी विल गेट चेंज. वंस वी गेट चेंज, वी विल जंप इन दैट ब्यूटीफुल बस. Yeah, I know that they look really well for the outside, guys. Yeah, also they don't look really well for the inside either. Like they're really cool buses, right? A really bumpy ride in a logging road. You will have your free back massage. We never told you about that, but it's a big plus for the company. Then, guys, we'll have something like two hours and a half in the river. Then we're gonna jump in this bus again, drive 15 minutes back to the base. Then you can get changed and you are free for the rest of your life. Sounds good? Yeah. Okay. So सारी instructions दे दी है, ठीक है, and बड़ा मजा आया, super excited है guys. सारे भाग रहे अपना अपना वेट सूट लेने के लिए. तेरा क्या होगा कालिया? टेम्परेचर रिवर का है 4 degrees. 4 degrees. अपने आप कुकू ने बीच का चूज किया था गाइस, उन्होंने बोला 3 to 5 degrees. कुकू गाइस 4 degrees. मैंने एवरेज ले लिया. फोन वगैरह अलाउड नहीं है, फोन सब छोड़ के जाना पड़ेगा. सो गाइस सबसे पहले तो आपको सबको ऐसे जूते मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे अपना साइज बताओगे. एंड देन यू कैन आस्क फॉर, अगर तुम्हें बहुत ठंड लगती है तो अपनी जैकेट्स. उसके अलावा यहाँ पे वेट सूट्स हैं, तुम अपना अपना साइज देख सकते हो. थैंक यू सो मच. यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, उन्होंने कहा अपने अपने फ़ोन रख दो गाड़ी में, ठीक है, वो हम चल रख देंगे. बट प्रॉब्लम यह है, अगर हमारा फ़ोन गाड़ी में होता तो टेस्ला लॉक नहीं होती. और अगर हमने जैसे तैसे करके लॉक कर भी ली, जैसे ब्लूटूथ ऑफ करके, गाड़ी की चाबी चलनी बंद हो जाती है और मैं गाड़ी में वापस रख देता हूँ फ़ोन को, तो वापस गाड़ी खोलूँगा कैसे मैं? और हम भी महान हैं, हम टेस्ला की एक्चुअल चाबी लेके नहीं आते कहीं. सो वेट सूट पहन के हम बैठ गए बस में और सारे इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था सारे स्कूल के किसी ट्रिप पे जा रहे हैं. लास्ट फाइनल चेक्स, एक बारी देख ले कि हेलमेट वगैरह या सब कुछ टाइट है कि नहीं. एंड सारे रेडी हो गए गाइज, ऐसा लग रहा था सारे सोल्जर्स हैं, एक मिशन पे जा रहे हैं. अभी हमने पहला चप्पू मारा ही था और एकदम से पानी का प्रेशर तेज हो गया. अच्छा लग रहा है, बट पानी कितना ठंडा है, बहुत ठंडा है भाई साहब. मत जाओ मैं उधर चला गया मम्मी, पागल है यार, वेट सूट है मेरा. इट्स योर मॉर्निंग. दोस्तों प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना. इतनी मुश्किल से सारे शूट कर रहे हैं हम. आई होप आपको हमारे साथ मजा आ रहा है रिवर राफ्टिंग करने में भी.
एंड यहाँ पे अचानक से हमारे गाइड ने सबको चैलेंज दिया कि तुम में से कोई राफ्ट पे कोने पे खड़ा हो सकता है बिना कुछ पकड़े। एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्राई करूंगा, बट जैसे ही मैं खड़ा हुआ ये सारे बाउंस करने लगे ताकि मैं पानी में गिर जाता, बट मैं बच गया। We are done with the entire experience and thanks to these two guys. Super shout out to them. Whenever you are there in Squamish or you are going to Whistler, do check it out. Come on out, guys. Yeah, come check it out. गीले कपड़ों के लिए लिफाफे में डाले कुकू गाइस। अभी तक हम दोनों को कोई आइडिया नहीं कि रिवर राफ्टिंग की फुटेज कैसी आई होगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कि हम रिकॉर्ड तो करके आगे, बट हमें पता नहीं कि कैसा कहाँ क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि इंस्टा 360 GoPro में हमारे सर पे लगे हुए थे तो हमें नहीं पता लगा कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब सुपर थक गए हैं सच्ची, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है गाइस। शाम को एक और एक्टिविटी है जो हमने करनी है, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। सो स्टे ट्यून, जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे। बाय बाय गाइस। ये जगह थी अपर स्क्वामिश में, बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह थी यार, बहुत ही मस्त। वाओ सो प्रिटी, व्यंजन व्यू देख। टू मिल्क नो शुगर। सो गाइस थोड़ा सा यू टर्न लेकर हमने अपनी कॉफी चाय ले ली है। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होटल इन व्हिस्लर। सो दोस्तों को हमने बताया कि हम व्हिस्लर जा रहे हैं। ओ मैं तो बोल गया था, आपको बताया नहीं। हाँ, हम आपको थोड़ा डिफरेंट व्हिस्लर दिखाएंगे इस बार, जो हमने भी नहीं देखा। जैसे कि फर्स्ट डे हो गया हमारा, राफ्टिंग हो गया, अब शाम को एक और एक्टिविटी है, कल भी एक्टिविटीज है। सो वी आर गोना बी डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। हम लोग इतनी सुंदर जगह पे रहते हैं और क्या ही फायदा कि अगर आप इसको सुंदरता को एंजॉय ना कर पाओ। प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स को यहाँ पे दिखाएं कि आप वीकेंड्स पे क्या क्या कर सकते हो। यस, हम पूरी ट्राई कर रहे हैं और इसी के लिए कि हम थोड़ा ट्रैवल कर पाए। हम अपने काम को बहुत ज्यादा अभी हमने अपने आप को पुश किया हुआ है, सो दैट हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर ले अपना काम और बैकएंड पे चलता रहे। सो देखो वर्क इज फर्स्ट, देन है मजे। यार क्या व्यू आ रहा है यार, मतलब फ्रेश स्नो लग रही है सारी। भाई साहब, क्योंकि स्क्वामिश में हम स्टॉप लेकर आए हैं आज, तो मेरे को पता ही नहीं चला विस्लर करवा गए। गाइस बहन सोते हुए आई है, मुझे पता चला है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं हमारे होटल द क्रिस्टल लॉज। सुपर डुपर डुपर हैप्पी दैट वी आर हियर अगेन। चेक इन ऑल डन। सो गाइस हमने क्रिस्टल लॉज दोबारा से इसलिए चूज किया क्योंकि रूम्स वगैरह तो सेक्सी है, वो तो हम आपको दिखाते हैं। प्लस बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे इनकी ही ईवी पार्किंग है। गाड़ी आई थी 100% से, 40% पे हो गई है। अब सारा घूम फिर के फ्लाइन नेम का ना, अब हम इसको लगाएंगे चार्जिंग पे, कल से फिर फुल। गाइस इनकी प्रॉपर ना पॉकेट में पार्किंग होती है, प्राइवेट गाड़ी को कोई खतरा नहीं, कुछ नहीं। मैं तो चार्जिंग के लिए एक्साइटेड हूँ यार, गाड़ी को फटाफट चार्ज करेंगे। हमारी गाड़ी है 41%। फर्स्ट टाइम हम अपने टेस्ला का चार्जर यूज कर रहे हैं, मोबाइल चार्जर। टेस्ला आई तक नहीं थी और हमने चार्जर पहले ले लिया था। बट ये बड़ी गलत बात लगी मुझे ऑनेस्टली कि गाड़ी के साथ एक चार्जर तो देना चाहिए। पहले देते थे। देते थे? तो $350 का अलग से खरीदना पड़ा था ये। दोस्तों टेस्ला हमारी अभी चार्जिंग पे नहीं लगी क्योंकि हमारा अडैप्टर डिडंट वर्क। Guys, हमारे पास दो प्लग्स हैं यहाँ पे ऐसे वाले, तो जितने भी मैंने वीडियो देखे ना टेस्ला की, उनके पास ढेर सारे अडैप्टर्स होते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड वाले जो कंपनी ने दिए थे, बट यहाँ पे ये अलग से लगते हैं। ये दूसरा प्लग है, बट गुड न्यूज, फ्रंट डेस्क हैज अडैप्टर्स, सो हम अभी जाकर लेकर आते हैं और लगाते हैं अपनी टेस्ला को चार्जिंग पे। ये देखो दोस्तों क्या किया है शर्मा जी ने। बट मैंने कुछ जान के थोड़ी किया। टेस्ला की गाइस सीट्स आर वेरी ड्यूरेबल, तो अगर आपकी वाइट शीट्स पे भी ऐसे कॉफी गिर जाए, इट विल गेट क्लीन राइट अवे। ठीक है, तो ये आपको फीडबैक भी मिल गया और मेरी जान में जान भी आ गई। कूल। एक बार ये गाड़ी का साइज देखो, ट्रक है, इसका नाम है टंड्रा। भाई साहब कुन नजायज ही है। कीरत को तो खा जाएगा बैठे बैठे। दोस्तों let me give you quick room tour. So ये आ गया है हमारी एंट्रेंस, हमारा बेड, स्वीट सी किचन, येलो टीवी, वर्किंग स्टेशन, ये है मिस्टर शर्मा। Hey guys, what's up? छोटा सा लाउंज, अडैप्टर्स हैं, एंड वी गॉट वाइन एज वेल।
व्यूज चेक आउट करते हैं. Pishi, I can see the mountain. And let's check out the washroom as well. Pishi, mari yahi baithi mari tune. Ai shut up yaar. So yahan pe sare utensils pade hain, aapke glasses wagera, champagne glasses, wine, sab dinner wear sab kuch hai. Theek hai. Plus yahan pe coffee machine, everything, microwave. Aur dosto fridge hai yahan pe. इसमें से याद रखना इतनी स्वाद स्वाद चीजें तुमने हाथ नहीं लगाना क्योंकि तुम्हारे बजट के बाहर है. मार्केट से लेकेंगे वहां से भी हाथ नहीं लगाना. ये सुंदर सुंदर चीजें ऐसे फैला के दे देते कि भाई ले लो जहां तुमने रैपर फाड़ा वहीं तुम्हारी फाड़ देंगे. सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक इट. ठीक है सब कुछ है. टोस्टर वगैरह यहाँ पे लेके आओ कंपोस्ट के लिए. और ये है गार्बेज बिन एंड एवरीथिंग. सो क्यूट. बहुत ही क्यूट है यार. No. Also, ये कबर्ड में हमारे बाथरूम्स भी हैं एंड स्लिपर्स. So, अभी गाड़ी चार्ज पे लगानी है. इसके बाद we are gonna go for cycling. Guys, adapter मांगे देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता. Is that something we should talk to them about tomorrow? यार कीरा तुझे काफी हैवी है. टूट तो नहीं जाएगा. इसको सीधा रखना पड़ेगा. नहीं टूटेगा. मेरे को अपने तार की नहीं है जो $50 का इनको डिपॉजिट दे के आया उसकी टेंशन है. नहीं फ्यांचो बहुत मोटी तार है वो. तो विस्ल विलेज का ये सीन है. कहाँ पे हमारी वो साइकिल वाली जगह? चलो यहाँ से हम बाइक अपनी रेंट करेंगे फ्रॉम ब्लैक डायमंड बाइक रेंटल्स. एंड विस्लर में बाइक राइडिंग जो साइकिल राइडिंग है ये बहुत कॉमन है. बहुत लोग यहाँ पे आके साइकिल चलाते हैं बट हमने करी हुई ई क्रूजर. तो हमने ई बाइक करी हुई है. पेडल पुटल कम मारेंगे गाइस बट साइकिल के मजे लेंगे सलमान खान स्टाइल. पेडल ऑलरेडी बहुत मारा चप्पू मारा. सो यू जस्ट वांट टू स्विच इट ऑन हियर. ओके देन यू जस्ट लीव द बाइक स्टेशनरी अंटिल इट्स टर्नड ऑन एंड देन यू हैव थ्री लेवल्स ऑफ असिस्टेंस. ओके how much assistance you want to have. I would start without any assistance just to get a feel for the bike and okay. then you can turn it up and you'll just feel the bike go. Oh guys itna maza aa raha hai aur abhi to e-bike hi humne chalai nahi hai. Sahi baat hai. Abhi to normal bike mein itna maza aa raha hai. So left se le ke thok mat diyo. Bahut zyada fast chal rahi hai. Brake maar le gir mat jaiyo. Nahi girti. Kuku kya hai? खतरों के खिलाड़ी. कुकू अगर गिर गया ना ब्लेम इट ऑन यू. तूने पैर नीचे लगाए तेरा चलान है. सच में हमारा यही प्लान था कि इस बार फुट पे विस्ला नहीं देख रहा साइकिल चलानी है. ये सब मजे मार रहे हैं. मैं क्या ये साइकिल का अपना फन है जोर ही नहीं लगता. हाउ कूल इज दिस. Guys, बस यही दिल था कि विस्लर विलेज के अलावा भी विस्लर को एक्सप्लोर करना है क्योंकि विलेज में तो सारे आते ही आते हैं डे ट्रिप करते हैं विस्लर विलेज घूमते हैं वापस चले जाते हैं. बट दिस इज एक्चुअली विस्लर. यू डू ऑल दीज एक्टिविटीज. यार फियांशु मेरे को तो लव हो गया ये ई बाइक से. Few moments later. आशीर्वाद तो गिरने वाला सी उतरी. दोस्तों पैदल ही चल जाती हूँ. वैसे मैं गिरने वाला सी. स्लिप हो रही थी मेरी साइकिल. दिस साइकिल टायर नॉट गुड. ये है लॉस्ट लेक. कैसी लग रही मैडम? बहुत ही बढ़िया. एक्चुअली यू गेट लॉस्ट इन दिस नेचर. ओए हाँ अच्छी है सच्ची. अपनी साइकिल पार्क कर देते हैं. तुझे कैसे लग रहा है? मस्त है यहाँ. I'm just अब मेरे को थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि साइकिल बड़ी जल्दी वापस लेनी पड़ रही है. हाँ हम थोड़ा लेट हो गए गाइस. बट कल भी एक सरप्राइज है गाइस आपके लिए. थैंक यू फॉर प्लानिंग दिस गाइस. मैं जनरली बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करियो. थोड़ा सा ऐसे ऐसे रखे नीचे का दिखाइयो. मैंने लड़कियों का पोज मारा हुआ है और इसे मेरी कमर पकड़ी.
टाइम टू गो बैक एंड रिटर्न आवर बाइक्स. बहुत ही मजा आया यार, दोबारा करेंगे फिर भी. यहाँ की वाइब अलग थी सच में. देना चाहता हूँ जल्दी ही. गाइस जुड़े रहना, अभी हमने बहुत सारी चीजें प्लान की है. अभी ये ट्रिप मुझे लगता नहीं जल्दी खत्म होने वाला है. और अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है यार तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब. गाइस हमें बाइक वापस करनी है, हम आपकी वेट करें. जब तक आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं करोगे तब तक हम वापस नहीं जा रहे. तो क्या होगा अगर हमें फाइन लग जाएगा? तो क्या हो जाएगा अगर हम पे केस कर देंगे? कर रहे हो ना, सब्सक्राइब कर दिया. अच्छा ठीक, सॉरी जा रहे. Come to the basics, यार. ये साइकिल साइकिल चलाना इसके भी अलग ही मजा है. सच्ची मुझे बड़ा ही प्यार आ रहा है कैंची पर, बिकॉज ये सारा सच्ची इसने प्लान किया आउट ऑफ एवरीथिंग. मतलब कि हम इतने बिजी थे और ये ऐसा सब कुछ ट्रिप प्लान करने के लिए ना प्लानिंग बहुत चाहिए होती है यार. बीच में ही काम इतना कि कब कैसे मैनेज करेंगे. सो hats off to him. Lucky cuckoo. Hey, handsome. पैर नीचे नहीं लगाने. मैं नहीं, मेरे को डर लगता है. वो दो मिनट बंद करने वाले हैं. तो चल यहाँ से ऊपर बहुत स्पीड है. बस बस आजा आजा पैदल चल लेते जल्दी आजा. गिरियो मत, बहुत स्टीप है. ओश रुक जा, मैं तेरी साइकिल वापस पिक करने आता हूँ. कोशिश मत करियो गिर जाएगी. अब थोड़ा भगा ले. It's okay. गाइस ये तो चले गए बंद करके. खुले बच गए दोस्तों. वी रश टुवर्ड्स दैट साइड एंड वी थॉट दैट यू आर गॉन. तो हमने बाइक्स रेंट की थी ब्लैक डायमंड बाइक रेंटल से. 2 hours का था $75 का खर्चा, 4 hours का $90 का और फुल डे का $120. दोस्तों सुबह से कर रहे हैं मस्ती, एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी. पहले ड्राइव करी है, फिर रिवर राफ्टिंग करी, फिर ड्राइव करी, फिर बाइक रेंटल किया है, चेक इन हो गया होटल में. बट अब क्या करना है? अब करना है गुड बेबी बन के काम. अगर काम हो गया तो रात को पार्टी है, नहीं हुआ तो फिर भाई ये सोचो कि घर पे ही आएगी, गुड नाइट हो रही है. अच्छा दिलाता कुकर हूँ, मुक्के दिलाते तो दो लुलू लेमन से एक्सेल साइज के. दोस्तों वी फाउंड आवर फेवरेट स्पॉट. कोई फेवरेट नहीं है, जबरदस्ती खिला रहा हूँ. इसका मन था पूरा पिज्जा खाने का, जंक फूड खाने का दिल था. कैरी पास्ता खिला दे, मैदा खिला दे. बट आई लाइक फ्रेशी एक्चुअली. आई लव फ्रेश. गॉट अ हेल्दी मील्स. ये एक्टिविटी करो बट गंद मत खाओ. हम ना इतने लोगों को देख रहे हैं जो इतना ट्रैवल करते हैं बट वो फिर भी फिट है. जिम जाते नहीं है बट हेल्दी खाते हैं. आपको तो पता है वैसे वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. क्विक स्टॉप एट शॉपर्स, हेयर स्प्रे, सनस्क्रीन एंड क्रीम. गाइस विस्लर $2-$2 $3-$3 सारा वैंकूवर सर से पहन गया. $36 गाइस. दोस्तों इतना हेल्दी 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 करवाते कराते फटाफट पिज्जा की दुकान में भागते हुए आ गए. वैसे मेरे को बोल हफ्ते से रही है, मैंने नहीं लिया, सिर्फ इससे लिया है. और बीच में इसकी वजह से मेरा भी दिल किया. पता क्या कहती फिशी, मैं तेरे को सच बोलूं तू कंट्रोल कर ले. और मेरे को ये बोल के लेके आई है फिशी का. गाइस ज्यादा मतलब के वेट गेन हुआ था. गाइस ये देखो पिज्जा खाने के बाद मैडम को चॉकलेट खा ले खा ले, फिर पिंपल आएंगे, रोइयो मत. गाइस बहुत ही प्यारा रूम है यार.
सॉरी फांसी, आज मैंने चीट कर लिया, चीट मील ले ली। गाइस बड़ा मुश्किल है अपनी डाइट पे स्टिक करना। इसका पिज्जा इतना टेम्पटिंग लग रहा था, मैंने एक छोटी सी बाइट ली थी, जन्नत था जन्नत। रात के बज गए 12 और मैं भी उठा हूँ वापस, ठीक है। मैं दोबारा सोने जा रहा हूँ, काम करने की कोई हिम्मत नहीं है। हम दोनों को खाना खा के इतनी नींद आई और हम दोनों इमीडिएटली बेहोश होके सो गए। और अभी कीरत की आपको हालत दिखाता हूँ। आज लाइक ऑलवेज फनी स्लीपर, मैं भी वापस सोने से जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम के लिए उठा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट करें बिना मत जाना। अगर आप मेट्रो वैंकूवर से हो तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि रिवर राफ्टिंग या फिर ई बाइक जरूर चलाना विस लगा के। कल का एक्सपीरियंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको पता लग जाए। सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं।